कार्यों की गहन समीक्षा करने के लिए ही इन्हें प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया है। वैसे आप लोगों को ओबीसी वर्गों के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है, जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आज़ादी के बाद लंबे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफ़ी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिसे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी प्रकार यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है, ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन इससे बीजेपी का इनके प्रति सौतेला रवैया भी साफ नज़र आता है, जबकि बीएसपी की रही सरकार में इनकी तरक्की के साथ साथ इनके जान माल आदि की भी पूरी पूरी हिफाजत की गई है। इनके साथ साथ जाट समाज के लोगों की भी तरक्की का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार आगे भी यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन सभी वर्गों के हित व कल्याण का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन सब के बारे में प्रदेश में पार्टी के ओबीसी व जाट समाज एवं मुस्लिम समाज के आज आए हुए सभी पदाधिकारी अपने अपने समाज की छोटी छोटी बैठकों के जरिए ये सब बातें काफ़ी कुछ बता रहे हैं, जिसके कारण इन वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े हैं। अंत में अब मैं यही कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का
बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस विश्वास के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आज ब्राह्मण समाज का मैंने पिछली बैठक में संदेश दे दिया था, आज तो केवल ओबीसी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है उनकी मीटिंग बुलाई गई है। आपको मैंने बताया कि मैंने पिछले महीने ही ओबीसी समाज के और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं तो उनको मैंने कुछ लोगों को जनरल सीटों पे लगाया हुआ जनरल विधानसभा की, तो उनकी मैंने समीक्षा पिछले महीने की थी। तो आज केवल रिजर्व सीट के लोगों को बुलाया हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैठक में मैं मीडिया बंधुओं को बुलाऊं, लेकिन बीच बीच में आप लोग थोड़ा नाराज़गी महसूस करते हैं कि बहन जी ट्यूट कर देती है, प्रेस नोट जारी कर देती है, हमें नहीं बुलाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को बीच बीच में ये आज फिर बुलाया गया है। इस बात का जवाब मैं एक बार नहीं कई बार दे चुकी हूँ, और मेरे ख्याल जब मैं इस बात का जवाब देती हूँ लगता है आप सोते रहते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। ये तो वक्त बताएगा। बहन जी, चंद्रशेखर रावण इस समय लखनऊ में है और वो कई दलों से बातचीत कर रहे हैं, क्या आप, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मायावती जी से भी बात करेंगे, तो क्या आप उनसे बात करेंगी अगर इस तरीके की कोई बात होती है आपसे? जब मैंने आपको बता दिया कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी तो इस किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप पूछ रहे हैं। इस बात का ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ। हाँ पूछो एक एक करके। हाँ देखो, राज्यसभा के जो 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया है तो ये पिछले सत्र में किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को खत्म करना चाहिए ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। इसके बारे में मैं एक बार नहीं कई बार इस बात का मैं जवाब दे चुकी हूँ, ट्वीट के जरिए भी, प्रेस नोट के जरिए भी, और पिछली प्रेस में भी दे चुकी हूँ। कोई अब मेरे ख्याल आपके पास सवाल नहीं बचा है। धन्यवाद।